सो गाइस आप सभी को वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज फिर खेलने वाले हैं रेन सिमुलेटर का एपिसोड नंबर 62। और भाई कल लास्ट वाला एपिसोड के ना अपनी गाड़ी भी लेके आ गए थे, और साथ ही में यार कल मैंने बोला था कि 20 मिलियन डॉलर, वो यार मैंने गलती से बोल दिया था, अपन 2 मिलियन डॉलर कम्प्लीट करने वाले हैं। वैसे 20 मिलियन काफी ज्यादा होते हैं, 2 करोड़ डॉलर के लगभग होते हैं। वैसे अभी मैं एक बेड पे सोया था जो कि काफी ज्यादा ऊंचा है। मैंने क्या किया, आंटी जी से ना मैं 4 या 5 बेड लेके आ गया, उसके बाद में एक के ऊपर मैंने एक रख दिया। बस अभी दिक्कत क्या आ रही है, ये 4 बेड ना तो जैसे मैं इसके ऊपर सोता हूँ और बाद में खड़ा होता हूँ ना तो ऊपर की साइड में टकरा जाता हूँ। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, एक बेड यहाँ से उठाते हैं और ये नीचे की साइड में रखते हैं। अब भी अपन आराम से यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से तो बाहर निकलते हैं। और आज देखो अपन क्या करने वाले हैं, अपन ने वैसे ये घर तो बना रखा है लेकिन आज अपन बनाने वाले एक पुराना वाला घर, जो कि मतलब कि पहले से जो उसका स्ट्रक्चर ना पहले से बना हुआ होगा। अपने को स्ट्रक्चर नहीं बनाना होगा, बस अपने को उसके अंदर लकड़ियां और कंक्रीट लगानी होगी, बाद में पूरा का पूरा घर रेडी हो जाएगा। और बाकी मैंने काफी चीजें और कर दी हैं, जितना भी अपना सामान ट्रेलर के अंदर पड़ा था ना वो सारा का सारा मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है। जैसे कि इस साइड में अपन ने क्या किया है, यहाँ पे जितनी भी मिल्क कैन थी वो सारी की सारी मैंने रख दी है। एक सेकंड भाई, गाय जी बाहर नहीं निकलना। वैसे गाय जी गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, ठीक है सभी गाय को गुड मॉर्निंग। और जो अपने छोटे छोटे चूजे थे ना जो मैंने यहाँ पे रखे थे, वो देख रहे हो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और काफी ज्यादा शानदार लग रहे हैं। अब भी यहाँ पे अपनी सारी मिल्क कैंस भी आ गई हैं, अपनी सारी बकेट्स भी आ गई हैं। अब भी पहले इनका खाना चेक करें तो खाना भी फुल है और इनका पानी पानी भी फुल है, ठीक है। और बाकी साइड में अपनी गाय घूम रही है, तो इसका भी यार गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे इनका खाना और पानी दोनों फुल है। वैसे इस मुर्गी ने एक अंडा दे रखा है तो ये वाला मैं उठा लेता हूँ, इसको बाहर की साइड में रख देते हैं। जैसे अपन अपनी जो अंडे की बकेट लेके आएंगे ना उसमें उठा लेंगे। पहले इनका सभी का मैं दूध निकाल लेता हूँ। और अपनी एक कैन, हाँ ये वाली कैन है ना, इसके अंदर 21 लीटर पहले से है। अभी ये वाली कैन फुल हो जाएगी तो बाद में अपन इसका चीज बना लेंगे। अभी मैंने दूध तो सैका सार निकाल लिया, ये वाली लास्ट पैकेट थी, इसको भी अपनी मिल्क कैन के अंदर डालते हैं। वैसे अभी देखो अपने पास सिर्फ एक मिल्क कैन भरी है, जैसे ये सारी की सारी मिल्क कैन और सारी की सारी बकेट्स भर जाएंगे ना उसके बाद में चीज बनाने वाले हैं। क्योंकि देखो थोड़े थोड़े दूध का अगर चीज बनाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अपन एक के साथ में सारा सारा चीज बनाने वाले हैं, बाद में एक के साथ में उसको बेच के आने वाले हैं। तो अभी अपन ने गाय का काम तो सैकड़ सारा कम्प्लीट कर लिया है। अभी पहले मैं आपको चीज फैक्ट्री दिखाता हूँ अंदर की साइड में। वैसे यहाँ पे अपने जो चीज है ना वो पड़ा थोड़ा बहुत रेडी हो रखा है, इसको भी आज अपन बेच के आने वाले हैं अपनी बर्गर शॉप पे। और ऊपर की साइड में देख रहे हो यहाँ पे अपने जितने भी कॉम्पेट को करते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लाके लगा दिए हैं और सभी के ऊपर पैन भी रख दिया है। बस अभी अपने को व्हाइट मोल्ड और ब्लू मोल्ड और लेके आने होंगे, क्योंकि अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 व्हाइट मोल्ड बचे हैं, बाकी अपने पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ से पहले तो अपने ऊपर की साइड से चलने वाले हैं, क्योंकि नीचे की साइड से अपने यार जाना जाते हैं पहले यहाँ पे। अब ये आराम से जम, अब भी देखो अपन अंडे उठाने वाले हैं। वैसे अंडे मैंने सारे के सारे उठा लिए हैं, जो मैं तीनों के तीनों चिकन को बने यहाँ से सारे के सारे अंडे मैंने उठा लिए। बस लास्ट अपना बचा एक एक्सपेंसिव चिकन कूप, तो वहां से मैं उठाने वाला हूँ। और यहाँ पे फिर से यार दो दो चूजे निकल गए हैं, तो पहले इनको अंदर की साइड में रखते हैं। बाकी यार काफी ज्यादा क्यूट क्यूट चूजे हैं। और तू भी भाई अंदर की साइड में आजा, हेलो गुड मॉर्निंग की साइड में आजा। और अभी यार थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है बारिश भी आने वाली है, क्योंकि पहले धूप निकल रखी थी, अब भी थोड़े थोड़े बादल भी आ गए हैं। पता नहीं यार बारिश आएगी तो अपने को जल्दी जल्दी काम करना होगा, वरना यार काफी ज्यादा भीग जाएंगे अपन। अभी लास्ट वाले से अपन अंडे उठाते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने खाना भी फुल कर दिया और पानी भी फुल कर दिया है। और एक सेकंड, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ एक मुर्गी और एक मुर्गा छोड़ा था, नहीं नहीं दो मुर्गी छोड़ी थी और एक मुर्गा छोड़ा था। अब भी काफी ज्यादा चीजें भी निकल गए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे जितने भी अंडे हैं इस सारे के सारे उठा लेता हूँ और बाद में सभी के सभी अंडे ना काम में आने वाले हैं। अपन जो सोसेजेस और जो मीट बॉल बनाएंगे ना उन सभी के काम में आने वाले हैं। अभी यहाँ के भी सारे के सारे मैंने अंडे उठा लिए हैं और अपनी बकेट है वो फुल हो चुकी है। अभी लास्ट बनने लिए अपन चलते हैं अपनी सोसेज फैक्ट्री के अंदर। और यहाँ पे देख रहे हो जितना भी सामान था ना वो मैंने यहाँ पे रख दिया, जो कि अपने यहाँ के लिए वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे रख दिया है। बस अभी यहाँ पे अपने को टेबल्स बनानी है, बाद में सारा का सारा जो चीजें हैं वो उन टेबल्स के ऊपर रखी जाएंगी। और ऊपर के साइड में चल के दिखाऊं तो ऊपर के साइड में सारी की सारी टेबल्स में मैंने रख दिया है। वैसे अभी देखो मैंने 2 ही रखा है, क्योंकि देखो अपन एक है तो अपन सारी की सारी मशीन पे तो काम कर नहीं सकते, अपन सिर्फ 2 ही मशीन पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक मशीन ऐसी रख दी है, एक मशीन ऐसी रख दी है और बाद में सेम टू सेम वैसा का वैसा आगे रख दिया है। और यहाँ पे ना जितने भी अपने पोक के मीट थे जो कि अपनी गाड़ी के अंदर रखे हुए थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए, ताकि ना जल्द जल्दी अपन यहाँ से उठाएं और यहाँ पे डालें और अपना जल्द जल्दी रेडी होता रहे। और इस साइड में भी कुछ ऐसे ही रख दिए मैंने। अभी नीचे की साइड में चलते हैं और यहाँ पे पहले एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा बहुत अपना रेडी हो चुका है, 6 इस साइड में रेडी हो गए हैं और अपने 6 इस साइड में रेडी हो गए हैं। और अभी नीचे की साइड में आप देखोगे ना तो काफी ज्यादा अपने पास मीट्स हो गए हैं
और पिक भाई इतने ज्यादा हो गए थे, मैंने क्या किया, जितनी भी अपनी जो पिकनी थी वो सारी की सारी मैंने मार दी। बस अभी अपने बचे हैं तो पिक बचे हैं और वो भी यार काफी ज्यादा हैं। और पहले से देख रहे हो कितने ज्यादा मीट बिक रहा हुआ है यार, इतने का अगर अपन सोचे और मीट बॉल बनाएंगे ना तो पता नहीं कितने ज्यादा रुपए आने वाले हैं। मेरे को लगता है कि कम से कम $2 लाख तो सिर्फ इससे आ जाएंगे अपने, आराम से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी पहले अपन एक काम करते हैं, अपनी गन को निकालते हैं और इन सभी को बारी बारी में मारने वाला हूँ, क्योंकि देखो सारे के सारे मोटे हो रखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो छोटा है। और इनको यार और ज्यादा मोटा होने का कोई मतलब नहीं है, बस ये बेफालतू में अनाज खाते रहेंगे और अपने रुपए लगते रहेंगे। तो सबसे पहले इसको मारते हैं। अभी भाई 13 नंबर, ऐसे भी मैंने देखा 2 मार दिए हैं। अपन गिनने वाले हैं कि टोटल अपन कितने मार रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ओ यार पहला निशाना अपने गलत लग गया, बाकी अपने सारे साइज सही मारे थे। 7 अपने मार दिए, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कम से कम ना अपने 14 पिक्स तो ऐसे हैं जो कि अपने बड़े बड़े हो रखे हैं। ये भी 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओ वापस से रिलोड, पहले 14, 15, 16 और 17, हमारे पास पूरे 17 है। तो सबसे पहले तो मैं इसको चारों को मारता हूँ, 1 आराम से, 2, 6। ओ कितने ज्यादा तेज वगैरह, लास्ट फाइनली अपना एक है तो इसको भी यहाँ से बस। अभी अपने सारे के सारे मर चुके हैं, अभी इन सभी को एन स्किन करना है। और बाद में यार डब्बे भी काफी ज्यादा ला रखे हैं जो कि अपनी गाड़ी इसके गैराज के अंदर खड़ी है, तो पहले इन सभी को अनस्किन करते हैं। ये वाला भी अनस्किन, सभी को अनस्किन तो कर दिया है। अभी चलते हैं अपनी सोसाइज फैक्ट्री के अंदर और वहां पे चल के अपना सोसाइज बनाना स्टार्ट करते हैं। और वैसे ना ये सारा का सारा काम कंप्लीट करने के बाद में अपन अपना घर बनाने वाले हैं और उसकी लोकेशन मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं पे बनाए या फिर बाद में देखेंगे, अभी तो अपना काम करते हैं सारा का सारा। और बारिश भी यार काफी ज्यादा आने लगी है, पहले ऊपर की साइड से चल के दिखाऊं तो देख रहे हो अभी मतलब कि इतनी ज्यादा नहीं आ रखी, मतलब थोड़ी थोड़ी आ रखी है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगी। कोई नहीं, वैसे भी हमने कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देख रहे हो अपन ने इतनी बड़ी छत बना रखी है तो अपने को बारिश लगने नहीं वाली। अभी अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से अपने मीट उठाया, इसके अंदर डालते हैं, इसको करते स्टार्ट। अभी अपना ये वाला तो रेडी हो चुका है, देखो अभी अपने पास है ना 2 ऑप्शन है। अगर अपन इसको डायरेक्ट उठाएंगे और इसको यहाँ पे रखा, इसमें से जो भी अपन उठाएंगे ना तो वो अपना मन जाएगा मीट बॉल। अगर अपन इसको बेचेंगे तो इसकी प्राइस कम होगी, लेकिन ये बड़ा स्पीडली मरने वाला है। पर अगर अपन इसको रखा नीचे, अभी अपन पहले इसके अंदर मीट बॉल रखते हैं। अब इसको लगाया यहाँ पे, मीट बॉल नहीं, पहले अपन मीट रखते हैं, अब इसको लगाया यहाँ पे। और जैसे ये रेडी होगा इसको अपन बाद में रखने वाले हैं इसके अंदर, उससे सोचा बनने वाला है। अभी इसको उठाते हैं, इसके अंदर रखते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब भी इसके अंदर सोचा बनने वाला है तो क्या होगा, इसकी प्राइस अपने को ज्यादा मिलने वाली है, लेकिन इसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगने वाला है। तो अपन देखो इसको बनाए या फिर इसको बनाए, तो मैं सोच रहा हूँ अपन टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को प्राइस ज्यादा चाहिए तो अपन ऐसा वाला बनाने वाले हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जितने भी अपने पास पड़े ना ये सारे के सारे मैं बनाता हूँ और साथ में इनके अंदर अंडे भी डालने वाला हूँ। तो गाइज अभी मैंने ना यहाँ पे जितने भी डब्बे पड़े थे ना वो सारे के सारे मैंने रेडी कर दिए हैं। और वैसे इतने से डब्बों में देख रहे हो कितने ज्यादा बन गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जो नीचे की साइड में बांध है उसमें इतने मीट के पीछे पड़े हैं, अगर उनको सभी को अपन बनाएंगे तो पता नहीं कितने ज्यादा बन जाएंगे। तो अपन ट्राई करेंगे जितने अपन से बनेंगे ना आज उतने अपन बना लेंगे, बाकी अपने मीट के पीछे बचेंगे उनको अपन सिंपली बेच के आ जाएंगे। वैसे पहले से मेरे को यार 2 रात और 2 दिन लग चुके हैं इस गेम के इतने बनाने के लिए। अभी देखो अब पहले तो मैंने लाइट नहीं लगाई, तो पहले मैं लाइट लगाने वाला हूँ। पिछली 2 रात से मैं अंधेरे में ही काम कर रहा हूँ, तो लाइट्स अपनी ये वाली नहीं, ये आगे वाले पेज पे हैं, ये अपनी लाइट्स हैं। और यहाँ पे मैंने ना ज्यादा लाइट्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ अपन 2 ही लाइट लगाएंगे, एक यहाँ पे, वैसे ऊपर की साइड में ज्यादा सही रहेंगी। तो मैं सोच रहा हूँ ना 3 लाइट लगा देंगे, एक थोड़ा इस यहाँ पे और एक अपनी यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे, बस अभी हाँ अभी परफेक्ट है, अभी ठीक है। अभी अपन सिर्फ 3 लाइट लगाने वाले हैं नीचे की साइड से। पहले मैं मेटल लेके आता हूँ और एक के अंदर शायद तक 18 मेटल लगते हैं, अगर 18 लगते हैं ना तो अपने को नीचे से 2-3 मेटल उठा के लेके आने होंगे। वैसे अपने पास मेटल पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 3 लाइट है, अगर एक के अंदर 18 लगे तो काफी ज्यादा मेटल लेके आने होंगे। वैसे नहीं, ओ 4-4 लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यार सोचता था अलमारियों के अंदर 18 लगते हैं, मैंने सोचा कि इनके अंदर भी 18 लगने वाले हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनके अंदर सिर्फ 4-4 लगने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे रखा, अभी ऑन करते हैं इनको, 1 ऑन 2 ऑन और ये वाली 3rd भी ऑन। बाकी अभी देख रहे हो कितना ज्यादा शानदार लुक आ रहा है। अभी अपन एक काम और करने वाले हैं, अपन 2 लाइट्स और लगाने वाले हैं ताकि थोड़ा इस साइड में भी रोशनी हो जाए। तो पहले लाइट्स पे जलते हैं, ये वाली अपनी लाइट्स हैं। अभी इसको अपन यहाँ पे ऐसे लगाएं या फिर इसको ऐसे लगाएं, ऐसे भी तो यार शानदार लगेगी। एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, बाद में एक अपन यहाँ पे ऐसे लगाने वाले हैं, एक अपन यहाँ पे ऐसे लगाने वाले हैं,
बस हाँ अभी ठीक है, अभी इन सभी के अंदर मेटल लगाना है पहले अपने को, इसके अंदर मेटल, इसके अंदर मेटल, इसके अंदर मेटल, ओके डन। अब भी इन सभी को ऑन करना है, 1 2 3 सारी ऑन हो चुके हैं और काफी ज्यादा शानदार लग रहा है, और अभी इन्हें बनाने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि देखो रात को अपने को दिक्कत नहीं आने वाली है, अपने आराम से काम कर सकते हैं। तो अभी तो मैं चल के सोता हूँ, बाद में कल सुबह उठ के अपन काम करने वाले हैं, क्योंकि पिछली 2 रात से वैसे भी मैं सोया नहीं हूँ, तो काफी ज्यादा नींद आ रही है। तो पहले यहाँ पे इसको करो बंद और अपने वहां पे चलते हैं गैराज में, गैराज के अंदर नहीं सोने वाले, अपने घर पे सोने वाले हैं। अपने गैराज से सुबह अपने को गाड़ी भी लेनी है, उन सभी को उठाना भी है, और इनको उठाने में यार काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो पहले इस गेट को ओपन करते हैं, अब इसको वापस बंद करो, अपने रूम में चलो और इसको भी बंद करते हैं, और अभी यहाँ पे आराम से सो जाते हैं। तो गुड नाइट। अभी अपन सो के तो उठ चुके हैं एक और नए सुहाने दिन के साथ, बाकी साइड में चल के पहले तो अपन मौसम देखने वाले हैं, क्योंकि देखो कल तो थोड़ा बारिश का मौसम था और फोगी फोगी मौसम था, लेकिन आज तो यार काफी ज्यादा शानदार मौसम रखा है, अपना सन भी मस्त आ रखा है। अभी पहले अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को हमेशा चलना अपन बाउंड हाउस के अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि देखो बाकी साइड से अगर अपन डालेंगे तो बार बार में अपने को डब्बे लेके जाने होंगे अंदर की साइड में कंटेनर्स। अपन एक काम करने वाले हैं, गाड़ी को पहले पीछे की साइड में लेते हैं, अपना पिक तो कोई बचा नहीं है तो वो बाहर भी नहीं निकलेंगे, वरना तो ऐसा है कि सारे बाहर निकल जाते हैं और काफी ज्यादा दिक्कत आती है बाद में उनको अंदर की साइड में डालने के लिए। अभी यहाँ पे रोका, ये वाला ओपन करते हैं, ओ नहीं नहीं बाहर की साइड से ओपन करना है। अभी पहले बाहर गए और ये वाला ओपन किया, अभी गाड़ी के अंदर बैठना है और अपने को अंदर की साइड में लेना है। तो पहले मैं अंदर की साइड में जितने मीट के बचे ना वो सारे सारे उठाने वाला हूँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ ना पहले बाहर वाले उठा लेते हैं, हाँ पहले अपन बाहर वाले उठाने वाले हैं, तो पहले बाहर वाले उठाते हैं बाद में अंदर वाले उठाते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले जितने भी यहाँ में मीट के पीसेज हैं वो सारे के सारे मैं उठा लेता हूँ। तो अभी मैंने सारे के सारे मीट के पीसेज तो उठा लिए हैं, ये देख लो सारे के सारे डब्बे भर रखे हैं, और अंदर की साइड में आपको चल के दिखाऊं तो बाहर की साइड से भी सारे क्लियर हो गए हैं, और अंदर की साइड से भी मतलब कि आधा बांध तो अपना क्लियर हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा पीसेज और पड़े हैं। तो इनको अपन क्या करने वाले हैं, इनको अपन सिंपली डब्बों के अंदर पैक करने वाले हैं और बाद में बेच के आने वाले हैं। और अभी जो अपनी गाड़ी के अंदर है ना, इन सभी का अपन बनाने वाले हैं सॉसेज या फिर मीट बॉल बनाने वाले हैं। तो पहले गाड़ी को घुमाते हैं और इसको भी सॉसेज फैक्ट्री के अंदर लेके चलते हैं। वैसे मैं आपकी बात ना इस साइड से लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि उस साइड से काफी ज्यादा पेड़ है तो वो बीच में दिक्कत देते हैं। तो अभी गाड़ी को पहले यहाँ पे रोकना है, बाद में वापस सब बैक में लेना है, और अभी अपन लेने वाले अंदर की साइड में। और पहले क्या करने वाले हो, जितने भी अपने डब्बे ना वो सारे के सारे ऊपर लेने वाले हूँ और बाद में स्टार्ट करने वाले हैं उनका मीट बॉल बनाना। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को कुछ लगा, ओ भाई देख रहे हो जो ऊपर की साइड में अपने लाइट्स लगा रखी ना, उनकी रोशनी नीचे की साइड तक हो रही है और यहाँ पे मैं मीट बॉल बनाता हूँ। तो पहले ओ भाई यहाँ से डब्बे अपने आराम से उठा सकते हैं। तो पहले ये वाला डब्बा यहाँ पे रखा, और ये जितने भी डब्बे पड़े ना सारे के सारे खाली डब्बे हैं, ये अपने काम में आ जाएंगे वापस से, जैसे ये सूखे हुए रेडी होंगे ना ऐसे वाले, उसके अंदर डाल लेके वापस से काम में आ जाएंगे। अभी ये वाला डब्बा भी यहाँ पे रखता हूँ। अभी देखो थोड़े बहुत मैंने मीट बॉल तो बना लिए हैं, बाकी और मीट बॉल अपन बाद में बनाने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले अपन घर बना लेते हैं और बाद में जितना भी काम है अपन बाद में कर लेंगे। वैसे अपन ने देखो डिसाइड किया था, या तो घर अपन यहाँ पे बनाएंगे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, या फिर मैं सोच रहा हूँ घर अपन इस साइड में बनाएं, क्योंकि देखो पहाड़ी पे तो अपन कुछ और बनाने वाले, जो अपना प्री बिल्ड घर है वो वाला अपन नहीं बनाने वाले। तो अभी अपन अपना घर यहाँ पे बनाने वाले हैं, ताकि अगर यहाँ पे अपन काम करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आके सो जाएंगे, अगर उस साइड में काम करेंगे तो जो अपन ने अपना खुद का घर बनाया उसमें सो जाएंगे। तो पहले चलते हैं बिल्ड मोड में, और बिल्ड मोड में जाने के बाद यार के तोड़ना नहीं है अपने को, बिल्ड मोड में चलना है। तो बिल्ड मोड में जाने के बाद अपने प्री बिल्ड, ये वाला तो नहीं है, हाँ ये वाले अपने प्री बिल्ड घर है, और इसमें देखो काफी ज्यादा घर है, यहाँ पे PH2 है, PH6 है, PH4 है, एक अपना रिट्रो फार्म हाउस है। तो अभी देखो इसमें सबसे बढ़िया है ना अपना PH6 है, क्योंकि देखो ये वाला घर नहीं है, एक फार्म हाउस है ये वाला, तो अपन इसको तो बनाने नहीं वाले, अपन बनाने वाले हैं PH6। तो सबसे पहले इसको अपन लेते हैं, बाकी ये वाला आराम से आ जाएगा, मैं सोचा था कि भी यहाँ पे आए ही नहीं। तो अभी थोड़ा इसको इस साइड में करते हैं बस यहाँ पे। तो अभी पहले अपने को देखना है यहाँ पे, ओ भाई ओ नहीं वुडन प्लैंक तो अपने को 35 ही लगने वाली है, वैसे 35 एक के अंदर लगने वाली है या फिर पूरे घर के अंदर लगने वाली है, मेरे को लगता है पूरे घर के अंदर अपने को सिर्फ 35 वुडन प्लैंक लगने वाली है, और बाकी अपने को मेट लगने वाले 45, और अपने को कॉन्क्रीट भी लगने वाली है 175। तो देखो अपने पास वुडन प्लैंक भी पड़ी है और अपने पास मेटल भी पड़ा है, बस अपने पास कॉन्क्रीट नहीं पड़ी है, तो अपने को कॉन्क्रीट भी लेके आनी होगी, और कॉन्क्रीट लाने के लिए पहले अपने को गाड़ी लेके जानी होगी अपनी जो रेंज रोवर है वो वाली, क्योंकि जो ये वाली गाड़ी ना ये तो सारी की सारी मीट के पीसेस की भरी पड़ी है। अभी मैं सो के तो उठ चुका हूँ, जो अपनी बाइक थी ना वो भी यार रुक चुकी है, वैसे देख रहे हो ये वाली गाड़ी अपन कल लेके आए थे, लेकिन अभी अपन इसको नहीं लेके चलने वाले, क्योंकि यार जो ये वाली गाड़ी ना काफी ज्यादा स्लो चलती है
और जैसे अपन कंक्रीट लेंगे तो उसके बाद में तो और भी ज्यादा स्लो चलने वाली है। पर अपनी जो रेंज रोवर है इसके ऊपर अगर अपन 175 केजी का कंक्रीट लेंगे तो इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी जल्दी चलते हैं पहले हार्ड स्टोर पे। तो पहले गाड़ी को यहाँ पे पार्क में लगाते हैं और अंदर की साइड में चलते हैं और 50 केजी के मैं ना 5 अपन बैग ले लेता हूँ, बाद में शायद 5 से अपना काम चल जाएगा। तो सबसे पहले अपना $250 का एक बैग मिलने वाला 50 केजी का, वैसे मेटल से कम ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5 वैसे एक काम करते हैं 7 ले लेते हैं, 7 ओके ठीक है डन। अभी बाहर की साइड में चलते हैं और इस सारे के सारे अपने गाड़ी के अंदर लोड करते हैं। बाद में वैसे अपने को आंटी जी से कुछ चाहिए नहीं ना, आंटी जी अपने को कुछ भी नहीं चाहिए तो आंटी जी के पास अपने को जाना भी नहीं होगा। अभी इसको यहाँ पे रखते हैं वापस एक इसके ऊपर ताकि अपनी गाड़ी के ऊपर अपन आराम से जा सकें। पहले काम करता हूँ ये जितने भी बैग्स हैं इन सभी को मैं इस साइड में रख देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी यहाँ से उठा सकें। ये वाला भी यहाँ पे, अभी लास्ट फाइनली अपना एक बचा है ये वाला भी यहाँ पे ठीक है, ये वाला थोड़ी साइड में। अभी पहले अपने को यहाँ पे जाना है, अभी वापस से जंप करना बेस्ट आराम से और ये वाला बैग मैं यहाँ पे रखता हूँ। वैसे एक बैग के ऊपर अपन 3 या 4 बैग रख सकते हैं शायद 1-2। अभी मैं साइड साइड कंक्रीट तो लेके आ गया हूँ, अभी बस अपने गाड़ी से नीचे उतरना है। पहले अपन साइड साइड कंक्रीट लगाने वाले हैं, यहाँ पे लगाया एक बैग और यहाँ पे कम से कम मेरे को लगता है 3 से 4 बैग तो अपने लगने वाले हैं। 100 कंक्रीट अपनी टोटल हो चुकी है। अभी ये वाला बैग, अभी लास्ट फाइनली अपने को एक बैग और लगाना है, उसके बाद अपना साइड साइड नीचे का जितना मेरा उसका का डन हो जाएगा। उसको भी अपने आराम से लगा दिया अपन ने, और लगाने के बाद में भी यार नीचे से कुछ रेडी हुआ ही नहीं। एक सेकंड यार, तो पहले अपने को मेट लगाना होगा। मैं यार सोचा कि यहाँ पे लगा दिया, बाद में भी कुछ रेडी नहीं हुआ। अपन तो पहले जल्दी से मेट लेके आते हैं, या फिर ऐसा होने वाला है कि जैसे अपन सारी सारी चीजें लगाएंगे ना उसके बाद में एक ही साथ में सारे सारे रेडी होगा। तो मेटल को लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे अपने को कितने लगने वाले हैं, 45 मेटल, तो इसको यहाँ पे लगाया और नीचे की साइड से अपना सारा सारा रेडी हो चुका है। बाकी ये वाली सीढ़ियां लकड़ियों से बनने वाली है तो इसको भी साइड में रखते हैं। वैसे यार मैं सोचा था, मेरे को लगता है अपना क्या हुआ पता है, अपने नीचे की साइड में उस कंक्रीट लगी है उसके अंदर जैसे कि अपनी रोड्स नहीं होते क्या आयरन रोड, वैसा कुछ काम किया होगा मेटल ने। उसके बाद में नीचे का बेसमेंट रेडी हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा मजबूत होगा ना बेसमेंट उतना ज्यादा अपना घर अच्छा बनने वाला है। तो अभी अपने को लकड़ियां कितनी लगने वाली है, लकड़ियां अपने को सिर्फ 35 प्लैंक्स लगने वाली है। तो पहले लकड़ियां लेके आते हैं, एक बार में अपन 8 लकड़ियां उठा सकते हैं। तो अपने को कम से कम 3 से 4 चक्कर मारने होंगे। यहाँ पे लगाया 1, अपनी ऐसी रेडी होने वाली है। बाद में इसके अंदर 35 कहां, इसके अंदर तो काफी ज्यादा लगने वाली है। अभी मैंने साई की साई लकड़ियां लगा दी हैं, बस लास्ट फाइनली एक लकड़ी और बची है। बाकी देख रहे हो बनने से पहले भी कितना शानदार लग रहा है। पहले अंदर की साइड चलते हैं और जो अपनी लास्ट लकड़ी ना इसको भी मैं लगाता हूँ 1, 2 और 3। और अभी अपन जैसे बाहर जाएंगे तो अपना सारा सारा घर रेडी होने वाला है और फाइनली अपना घर रेडी हो गया है। वैसे एक सेकंड यार, यहाँ पे स्पेस था, ये वाला रेडी नहीं हुआ। मैं सोचा था कि यहाँ पे भी अपना आने वाला है, लेकिन जैसे ही रेडी होना तो इसका तो सारा सारा स्ट्रक्चर ही बदल गया। पहले थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इस लकड़ी को तो मैं यहाँ पे रखता हूँ और अभी आज रात अपन इसके अंदर सोने वाले हैं, क्योंकि यार काफी दिन हो गए अपने को, ये हम टेंट के अंदर सो रहे थे बस लास्ट अपन एक दिन ना वो अपन इसके अंदर सोए थे। अभी अपन सोने वाले हैं इस वाले घर के अंदर। पहले यहाँ पे अपनी डोर बेल है ना, इसको डोर बेल नहीं है ये शायद तक अपना, नहीं डोर बेल भी नहीं है और लाइट वाला भी नहीं है, लाइट अंदर से ऑन होने वाली है। तो पहले इसको खोलते हैं, अभी यहाँ से मैं लाइट ऑन करता हूँ, यहाँ पे ये क्या ऑन। अब भी देख रहे हो कितनी ज्यादा शानदार लग रही है अपनी लाइट। बाकी साइड में 2 चेयर रखे हैं, मतलब पहले वाला बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा ही घर है। अंदर की साइड से भी कुछ बदला नहीं है। यहाँ पे अपना एक टीवी है जिसको अपन ऑन कर सकते हैं और इसमें भी यार वही का वही चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ पे एक सिंपल रेडियो पड़ा है तो इसको तो अपन बंद करने वाले हैं, इसको नहीं चलाने वाले। इस साइड में अपना वही किचन है और यहाँ पे जहाँ स्टोर रूम है अपना, इस साइड में अपन जितने भी चीजें बनाएंगे वो यहाँ पे रख सकते हैं, उनको सुखा सकते हैं। अभी इसको भी बंद करते हैं और ये नीचे वाले अभी भी अपन नहीं खोल सकते। इस साइड में वैसे ये टेबल भी पहले से पड़ी थी। अभी ऊपर की साइड में चले तो यहाँ पे ये अपना टेबल टेनिस है, यहाँ पे ये अपना बेड है। इस साइड में एक अपनी मोमबत्ती, इसको भी ऑन करें, ये भी यार काफी ज्यादा रोशनी दे रही है। लेकिन इस घर के अंदर जो सबसे ज्यादा शानदार चीज देखने को लगती है वो है ये वाली, यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा मस्त बेड है, इस पे सोने में यार मजा ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे सोते हैं और बाद में सुबह उठने वाले हैं। तो अभी तो सभी को गुड नाइट। अभी यार मैं सो के तो उठ चुका हूँ और इस बेड पे काफी ज्यादा मस्त नींद आई है, अपन काफी ज्यादा लेट तक सोए हैं। अभी यहाँ से बाहर चलते हैं, वैसे लाइट को बंद करने दो वरना यार बिजली का बिल काफी ज्यादा आ जाएगा।
इसको भी बंद करते हैं। और अभी देखो गाइज, आज की वीडियो तो यहीं तक, बाकी यार आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वाला घर कैसा लगा, इसको रहने दें या फिर तोड़ दें। और अंदर की साइड में जितना भी अपना जो रेडी करना बच रहना जितने पीसेस, ये मैं सारे के सारे रेडी कर दूंगा और बाद में इनको बेच करेंगे ना, जब अपन देखने वाले हैं कि अपने को कितने डॉलर मिलने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो वोलो पक्के से कर देना। और एक यार GTA की वीडियो भी आने वाली है, बस आप मेरे को कमेंट बताओ कि GTA की वीडियो अपन फेस कैम के साथ में लेके आए या फिर ऐसे ही नॉर्मली लेके आए। तो तब तक गाइस कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।